और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। बाकी जिन शहरों में संकट पेशेंट्स की संख्या का बढ़ा है, वहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करके वो आवश्यक और उपयुक्त फैसला करेंगे। हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया भी बना रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा संक्रमण है वहाँ कंटेनमेंट एरिया को भी कंटेन करेंगे, उसको भी बंद किया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बाकी शहरों में जहाँ वायरल लोड ज़्यादा है आज बैठ के विचार करेंगे। छिंदवाड़ा और शाजापुर में कल ही फैसला ले लिया था, बाकी शहरों के बारे में चर्चा करके फैसला होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की बैठकें हो ये भी हम निर्देश दे रहे हैं। मेरी मनसा कभी भी लॉकडाउन की नहीं रही है, लेकिन ये अभूतपूर्व संकट है। एक तरफ हम इलाज की सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे, कल मैंने तय किया था कि 36,000 बिस्तर हम करेंगे, आज मैंने फिर टीम के साथ बैठक करके हमने ये फैसला किया कि संख्या बिस्तरों की 1,00,000 बढ़ा के की जाएगी। इनमें से कुछ कोविड केयर सेंटर में होंगे, जो हर एक ज़िले में एक प्रारंभ करने का फैसला ले लिया गया है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में हमको बिस्तर मिल रहे हैं, वो भी सरकार ले रही है। भोपाल में पीपुल्स और जेके को ले लिया है हमने। इंदौर और बाकी शहरों में भी निर्देश दिए कि जहाँ जहाँ हो सकते हैं वहाँ प्राइवेट अस्पतालों की क्षमता का उपयोग भी सरकार करेगी, निशुल्क उपचार में। कई पहले से भरे हुए हैं, जहां गुंजाइश है वहां हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई संकट नहीं है, व्यवस्था हम यथासंभव बना रहे हैं। गुजरात भी मेरी बात हुई है, केंद्र सरकार से भी मेरी बात हुई है, भिलाई से हमको अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई है।